अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमे की टिकिया। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कीमा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लिया है। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 बड़े चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट। ग्रीन चिल्ली पेस्ट में मैंने धनिया, पुदीना, ज़ीरा, नमक भी ऐड किया है। और मैं अब डाल रही हूँ ये टिकिया मसाला। ये बहुत ही सिंपल मसाला है जो मैंने घर में तैयार किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देखिए, इस तरीके से हमें इसको एक छोटा बॉल बनाकर और फिर उसे अच्छे से शेप देना है टिकिया का अपने हथेली की मदद से। 2-4 टिकिया मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी टिकिया का शेप बहुत ही अच्छा बनेगा। शामी की जैसी होती है टिकिया, 2 शेप की बनती है शामी। ये मैं गोल शेप की टिकिया बना रही हूँ। इसी तरीके से हम शामी भी बनाते हैं अपने घरों में, वैसी ही बनानी है हमें अपने हथेलियों की मदद से। सारी टिकिया मैं आपको बनाकर बताती हूँ, आप इसी तरीके से बनाइए। आपके बच्चों के बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने सारी टिकिया फ्राई करने के लिए तैयार कर ली है। एक पैन में अब ऑयल डालकर उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं जितनी इसमें ऐड होगी उतनी ऐड कर लूँगी एक बैच में। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप उसमें ज़्यादा भी टिकिया ऐड कर सकते हैं। इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि हमारी टिकिया ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी बने और अंदर से सॉफ्ट रहे। हम इसे पाव या पराठे के साथ, इमली की चटनी के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ हम इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी नाश्ता है ये बच्चों के लिए। आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी हमारी रेसिपी। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। दस से 15 मिनट का टाइम लगता है फ्राई होने में। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है। अच्छे से इसको उल्टा पलटा कर फ्राई करना है हमें। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पढ़ना हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। आपको अपनी हमारी तारीफ़ करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप हमें बताइए कि नेक्स्ट रेसिपी आपको क्या देखनी है हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन फ्राई हो चुकी है हमारी टिकिया। इसी तरीके से हमें बनाना है सारी टिकिया। अब हम इसको अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। देखिए सारी टिकिया को हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। अभी एक भी टिकिया हमारी टूटी नहीं है। देखिए माशाल्लाह सारी टिकिया मैंने फ्राई कर ली है। इस पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया, नींबू, प्याज और टमाटर के साथ इसको गार्निश करूँगी। आप भी इस तरीके से बनाइए, आप अपने बच्चों को खिलाइए। देखिए पाव के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ इमली की चटनी के साथ। आपके बच्चे इसको खाकर बहुत इंजॉय करेंगे। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।